हम आपको दर्शन कराएंगे कुछ ऐसे मंदिरों के जहाँ भगवान विराजते हैं नीली छतरी के नीचे, यानी खुले आसमान के नीचे। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वलसाड और करते हैं एक ऐसे मंदिर के दर्शन जहाँ दीवारें तो हैं लेकिन छत नहीं। सूरज की पहली किरणें आती है और करती है भगवान शिव का अभिषेक, जहाँ धूल मिट्टी हवाएं आती है और सुनाती है भक्तों का संदेश। हर हर महादेव की गूंज के साथ जब बहती है भक्ति की जलधारा, चढ़ते हैं आस्था के फूल और दीपक, तब एक हो जाते हैं भक्त और भगवान। महादेव में मन रमाए बैठे श्रद्धालुओं की भक्ति बिना किसी बाधा के सीधे बढ़ जाती है आसमान की ओर। फिर दिखता है भगवान और भक्त की मिलन का वो नजारा, जो न केवल दुर्लभ बल्कि बेहद अनोखा और दिलचस्प भी होता है। महादेव के मंदिर का ये अनोखा नजारा देखकर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर भोलेनाथ का ये मंदिर क्यों अपने आप में अनोखा है। मंदिर के बीचों बीच स्थापित शिवलिंग, जिसके चारों ओर दीवारें तो है लेकिन ऊपर ना तो कोई छत है और ना ही कोई गुंबद। यहाँ हर रोज 24 घंटे महादेव इसी तरह खुले आसमान से साक्षात्कार करते हैं, बातें करते हैं ऊपर बैठे अपने साथी देवताओं से और दूर करते हैं भक्तों का दुख दर्द। बिना किसी छत का ये शिव मंदिर अपने आप में अनोखा और देश भर में इकलौता मंदिर है। गुजरात के वलसाड में तड़केश्वर महादेव के नाम से मशहूर इस मंदिर पर छत बनवाने की बहुत कोशिशें की गई लेकिन सब नाकाम रही। कहते हैं स्वयं महादेव खुले आसमान के नीचे वास करना चाहते थे, सर्दी गर्मी धूप बारिश को महसूस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने भक्तों को सपने में दर्शन देकर शिवलिंग पर गुंबद बनाने से मना कर दिया। करीब 800 साल से पुराने तड़केश्वर महादेव मंदिर में शिव का रूप भी बहुत अनोखा है। यह शिवलिंग का आकार गोल नहीं बल्कि शिला रूप में चौकोर है। कहते हैं यह महादेव स्वयंभू है जो मौसम के अनुसार रंग बदलते हैं। महादेव का ऐसा अनोखा रूप भक्तों को हैरान कर देता है। कहते हैं यहाँ आने वाले भक्तों को शिव कभी खाली हाथ नहीं लगाते, हर 3-4 महीने में उसका रंग अलग हो जाता है, हर साल में मतलब 3 बार उसका कलर चेंज होता है। आप अभी गर्मी के सीजन में आएगा तो उसका थोड़ा लाल होता है, अभी बारिश गिरेगा उसका काला हो जाएगा, और शिवरात्रि के दिन आएगा उसको तो भूरा रंग हो जाएगा। और ऐसा शिवलिंग कहीं भी नहीं, तो कच्चा पत्थर का है। वलसाड के अब्रामा में बने तड़केश्वर महादेव किसी की झोली खाली नहीं रहने देते, चाहे वे औलादों की झोली में संतान की खुशियां डाली हो या फिर कुंवारी लड़कियों की मनचाहे पति पाने की कामना, हर इच्छा शिव के दरबार में आकर पूरी हो जाती है। 20 साल से आ रहा हूँ और इसकी श्रद्धा ये है कि जो कि मनोकामना पूरी हो जाती है आदमी की, श्रद्धा से रखेंगे तो पूरी हो जाएगी मनोकामना। और ये जो छत है कभी खुला रहता है कभी बंद रहता नहीं, और इधर अभिषेक में दूध पानी हर कोई चढ़ा देना, मैं भी श्रद्धा से चढ़ाता हूँ और सेवा करने भी आता हूँ उधर। यही वजह है कि साथ हर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। तड़केश्वर महादेव के दर्शन के लिए देश भर से आते हैं और बाबा के दर्शन के बाद ढोल मजीरों की धुन पर मगन हो झूम उठते हैं। संजय सिंह, वलसाड, आज। वलसाड में खुले आसमान के नीचे होते हैं भगवान शिव के दर्शन, तो वहीं चंबा के पुल्हानी में माँ काली विराजती हैं पहाड़ों के बीच खुले आसमान के नीचे। कहते हैं माँ का ये मंदिर बेहद अनोखा है और यहाँ आकर चूड़ियां और त्रिशूल चढ़ाने भर से माँ काली का आशीर्वाद पाया जा सकता है। चूड़ियों का चढ़ता है चढ़ावा, त्रिशूल से पूरी होती है हर कामना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, खुले आसमान में विराजती है माँ काली। तेरे ही गुण गाए भारती,
आरती है भक्तों का कल्याण। आस्था भरी आंखों और कामना भरे मन के साथ माँ काली के दर्शन के लिए बढ़ते हैं भक्तों के कदम। माँ काली का ये वो धाम जिनके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है समस्त देवों की पूजा का फल। पहाड़ी रास्तों से होकर करीब 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर माँ की भक्ति में लीन जयकारे लगाते हुए ये भक्त शक्ति की उस विशाल प्रतिमा का दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं जहाँ दूर होते हैं उनके समस्त कष्ट। दानव तल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। कहते हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बोलहानी में माता के दरबार में भक्त त्रिशूल चढ़ाकर माँ काली तक पहुँचाते हैं अपनी फरियाद। इस पूरे इलाके में माँ की महिमा का अंदाजा माँ के आसपास चढ़ाए गए इन त्रिशूलों को देखकर ही लगाया जा सकता है। ये वही शिला है जहाँ से माता बोलहानी जी त्रिशूल के रूप में सदियों पहले प्रकट हुई थी, और ये जो पूरी दरार देख रहे हैं आप शिला की, इसी में से माता जी एक त्रिशूल के रूप में निकली थी। माता ये माता का प्रकट स्थान है जहाँ से माता बोलहानी जी एक महाकाली के रूप में ऐसे प्रकट हुए। बोलहानी में माँ काली एक कन्या के रूप में एक पत्थर से प्रकट हुई थी। यहाँ आज भी वो पत्थर मौजूद है जहाँ सुहागिन महिलाएं चूड़ियां चढ़ाकर अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और माँ काली से सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मांगती हैं। चढ़ाई हुई चूड़ियां जो है ये देख रहे हैं, ये एक माता को चढ़ाई हुई वही चूड़ियां हैं जो सुहागिन ने अपने सुहाग की लंबी उम्र लंबी आयु के लिए माता को यहाँ पर आकर चूड़ियां चढ़ाती हैं। इस माता उनकी सुहाग की लंबी आयु प्रदान करती है। माँ काली की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भक्तों को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशी भरकर घर ले जाते हैं। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। अगर आप राहु केतु की महादशा से परेशान हैं या फिर ग्रहों की चाल ने आपका जीना मुहार करके रखा है तो अब डरने की जरूरत नहीं। बीकानेर में विराजते हैं एक ऐसे बाबा जो विराजते तो हैं नीली छतरी के नीचे, जिनके दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं सारे दोष और जीवन में आ जाती हैं खुशियां ही खुशियां। चांदी के वर्ग से कीजिए पूजा। बाबा भैरवनाथ होंगे प्रसन्न। कट जाएगी राहु केतु की महादशा। काल सर्प दोष से मिलेगी मुक्ति। ग्रहों की खराब दशा दूर हो। न ऊपर छत और न ही नीचे दरो दीवार, खुले आसमान में विराजते हैं बाबा भैरवनाथ। सुबह की सुनहरी किरणें जब छन कर पड़ती हैं बाबा भैरवनाथ के मुख मंडल पर तो भक्त निहाल हो जाते हैं अपने आराध्य के दर्शन कर। हर आंख में बस जाती है भगवान की मूर्त और हर जुबान पर होता है नाम तो बस बाबा का। शिव के इस गण का रूप जितना भव्य है उतना ही चमत्कारी भी। इनके चमत्कार की कहानी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्यों खुले आसमान के नीचे विराजते हैं भैरवनाथ। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर कोडम देसर गांव में बना है भैरवनाथ का ये मंदिर। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि कई राजा महाराजा और भक्तों ने मंदिर की छत बनवाने की कोशिश की,
लेकिन जिसने भी इसके बारे में सोचा या इस पर काम शुरू किया उसकी मौत हो गई और आज भी भैरवनाथ के खुले आसमान में विराजने पर रहस्य कायम है। भक्तों का मानना है कि स्वयं भैरवनाथ खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते हैं। अजीब सी शक्ति है जो यहाँ पर बुलाती है और एक बड़ी सुखद अनुभव महसूस करते हैं, सुखद अनुभूति महसूस होती है। और यहाँ पर जो पारंपरिक मंदिर है जिसके ऊपर की मंदिर के ऊपर छत नहीं है और जिस जिसने भी इस छत को बनाने की कोशिश करी उनकी या तो मृत्यु हुई और या उनको किसी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये एक अजीब सा एक इत्तेफाक है कि मंदिर के ऊपर छत ना होना और लोगों का इतनी श्रद्धा रहना। खुले आसमान में रहकर भैरवनाथ भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई काल सर्प दोष से परेशान हो या फिर राहु केतु की चाल से बंधा, भैरवनाथ की पूजा कर हर दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। जी हाँ, बस दो दिन की पूजा कर देती है भक्तों को हर दोषों से मुक्त, लेकिन करना होता है उन्हें खास तरीके से प्रसन्न। चांदी के वर्क से होती है भैरव की पूजा और चढ़ाना पड़ता है उन्हें खास प्रसाद। इस भैरव ने बीकानेर के आसपास के लोगों में इतनी गहरी आस्था है कि कठिन से कठिन काम भी इस भैरव के भरोसे यदि किसी ने छोड़ा तो वो पूर्ण हुआ है। बीकानेर संभाग के लोगों की आस्था और ये अपने आप में यहाँ आने से अपने आप में मनुष्य को सुकून और शांति मिलती है और आदमी जिस किसी भी मनोकामना को लेकर आता है वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अगर भक्ति में शक्ति हो तो भैरव भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। भैरवनाथ की कृपा से किसी के घर संतान की किरदारी गूंज उठती है तो किसी को रोजगार मिल जाता है। कहते हैं कि जादू टोने का कोप भी भैरवनाथ के दर्शन से दूर हो जाता है। तभी यहाँ भक्तों की भारी संख्या घंटों मंत्रोच्चारण कर बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर उन्हें धन्यवाद करना नहीं भूलते। प्रणाम मेरे भाई, आज का मंत्र है काशी मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं त्वचा के रोग को दूर करने के लिए। कई बार त्वचा में रोग हो जाते हैं, कहीं कहीं जलन होती है, कहीं कहीं लाल हो जाता है, कहीं सूजन आ जाती है त्वचा में, हमारे स्किन में, तो उसको दूर करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मंत्र निवेदन करता हूं फिर इसकी विधि बताता हूं। मंत्र है वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके संध्या के समय, शाम का समय संध्या समय होता है 5 से 7 बजे संध्या के समय को संध्या समय बोलते हैं। जब शाम को 5 से 7 बजे का समय हो उस बीच में उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें तो आप देखेंगे त्वचा रोग, जो त्वचा में कहीं जलन सी होती है, कहीं सूजन होती है, कहीं खुजलाहट होती है, वो नहीं होगी, वो शांत हो जाएगी। हम कामना करते हैं कि आपको ऐसा कभी ना हो। और मित्रों मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं, वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। इस मंत्र का उच्चारण करें और हमारी कामना है कभी आपको त्वचा रोग ना हो।